हाल ही में देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसका मतलब है कि देश को तानाशाही शासन से आजादी मिले 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आजादी के लिए जान न्योछावर करने वालों ने शायद ही सोचा होगा कि 75 वर्ष बाद भी देश की जनता को गुलामों की तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आजादी के लिए बलिदान हुए महापुरुषों की आत्मा आज गांव सुंडी, कोली खम्मा, देवरी पर्दा, चार भुजा की भारत तथा जूना माला हेड़ा के ग्रामीणों को देखकर कहती होगी कि ऐसे आजाद भारत की कल्पना तो हमने नहीं की थी। दरअसल गांव सुंडी, कोली खम्मा, देवरी पर्दा, चार भुजा की भारत तथा जूना माला हेड़ा के ग्रामीण आज भी गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उक्त गांव के लोग आजादी के बाद से ही मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के बाद से ही आज तक उन्होंने गांव में सड़क नहीं देखी है और न ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाया है। जबकि उक्त गांव पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह माला हेड़ा के गृह क्षेत्र से जुड़ा है। ग्रामीणों को एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। कहने को देश आजाद है, लेकिन इन ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ठगा गया है। गांवों के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर 4 फीट पानी में उतरकर विद्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने इनकी दुर्दशा के लिए सत्ता में काबिज रह चुके पूर्व के तमाम जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी सुनाते हुए कोसा है। ग्राम में धरातल पर पहुंचकर ग्रामीणों की पीड़ा सुनी तो उनकी व्यथा काफी चौंकाने वाली थी। ग्रामीण बताते हैं कि नेता, जनप्रतिनिधि व सरकारी नुमाइंदे चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान वोट मांगने गांव आते हैं, चुनाव के बाद कोई मुड़कर तक नहीं देखता। चुनावों के समय आश्वासनों को ढड़ास बंधाकर चले जाते हैं, फिर दोबारा गांव की दयनीय स्थिति देखने कोई लौटकर नहीं आता। सुंडी, कोली, खम्मा, देवरी पर्दा, चार भुजा की भारत तथा जूना माला हेड़ा को आपस में जोड़ने वाले रास्ते पर एक नाला पड़ता है, जिस पर आज भी पुलिया की दरकार है। पुलिया के अभाव में 4 फीट पानी में उतरकर गांव में प्रवेश करना पड़ता है और बच्चों को उसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर 4 फीट पानी में उतरकर स्कूल जाना पड़ता है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं तथा कीचड़ इतना फैला है कि पैर तक डूब जाते हैं। बारिशों में इन मार्गों से निकलना असंभव है। अत्यधिक वर्षा में 2 व 4 पहिया वाहन गांव में प्रवेश नहीं कर पाते। ग्रामीण निश्चिंत स्थान पर 2 पहिया वाहन खड़ा कर पैदल गाँव पहुँचता है। पूर्व विधायक के गृह क्षेत्र से जुड़ आसपास के 7,000 से अधिक ग्रामवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव के रास्तों की हालत खराब है। गांव में शौचालय तक नहीं है और न ही ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है। ग्रामीण आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। शौचालय के अभाव में महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। देवरी पर्दा, जूना माला हेड़ा तथा चार भुजा की भारत को सुंडी तथा काली खम्मा से जोड़ने वाले 2 किलोमीटर मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। गड्ढों में पानी भरा है और जिसमें कीचड़ हो चुका है, जिसके कारण पूरे मार्ग में कीचड़ इतना पसरा है कि आने जाने वालों के पैर तक कीचड़ में डूब जाते हैं। साथ ही रास्तों के दोनों ओर कटीली झाड़ियां हैं, जहां से जहरीले जीव जंतु निकल आते हैं। जूना माला हेड़ा के आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि उनके साथ हर जनप्रतिनिधि ने छलावा किया है, वोट की खातिर महज उपयोग किया है। चुनाव के समय आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जाता है, जो जनप्रतिनिधि इससे पहले जीते सभी ने गाँव को अनदेखी की है। लेकिन वर्तमान में हमें विधायक माधव मारू से आस है कि हमारी परेशानियों को समझेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। के सरपंच साहब ने साल भर पहले पुलिया बनाई थी, तो हमने बोला कि भाई ये पुलिया शिकायत भी की थी, वो कुछ नहीं डाल रहे थे अंदर। तो उन्होंने बोला कि शिकायत करोगे तो तुम्हारी पुलिया का काम रुक जाएगा, इसलिए गांव वालों ने पहले से समस्या चल रही थी उस हिसाब से किसी ने शिकायत भी नहीं की। उन्होंने बोला कि टूटेगी तो और नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सीमेंट नहीं डाली इसके अंदर और ये साल भर भी नहीं हुआ है।
आठ नौ महीने हुए हैं, बिल्कुल एक भी सीमेंट आप देख सकते हो, एक भी सीमेंट नहीं है इसके अंदर। और खाली इस पुलिया का 8 से 10 लाख रुपए पास हुआ था, और दो पुलिया पास हुई थी, एक तो इस सड़क की, एक तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये पुलिया पास हुई थी, और एक ग्रामीणों के लिए वहाँ पुलिया अभी खड्डा खुदा हुआ है वहाँ पे पास हुई थी। दोनों की मिला के एक पुलिया बनाई उन लोगों ने, और सारा पैसा हड़प कर गए, और इसमें सरपंच साहब का बिल्कुल हाथ है इसके अंदर। क्या और फिर क्या परेशानी गाँव में? गाँव में और ये पुलिया की परेशानी, और यहाँ से पर्दा रोड जाता है अपना, उसमें भी मालाडा से पर्दा रोड जाता है, और वहाँ हमारे गाँव वाले नहीं जाते हैं, कंजेड़ा से भी लोग यहाँ शॉर्टकट है ये पूरा कुमड़ेश्वर के लिए, वहाँ आप जाके देख सकते हो कुछ भी, मतलब बिल्कुल आदमी गाड़ी तो गाड़ी, आम आदमी भी। तो मैं अपने विधायक साहब माधु मारो को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार एक दृष्टि सिर्फ हम गांव वासी मालेडा, देवरी पर्दा, जूना मालेडा और कोली खम्मा, और ये मतलब 4 बजे की भारत, यहाँ पे आके पोकरदा, जैसे एक बार यहाँ पे आके सिर्फ ये उनकी दृष्टि से देख ले कि वास्तव में इन लोगों की मुसीबत क्या है, इनकी तकलीफ क्या है। अरे सर, हमारी सिर्फ 5 मिनट भी आके हमारे प्रति देख ले होगा। विधायक साहब एक बार मारुति लेके भी इस रास्ते से आ जाएगा ना, तो हमको रोड नहीं चाहिए कुल मिला के। सर क्या मुसीबत है? सर मुसीबत क्या है, दुनिया को दिख रहा है सर जी, इतने इतने गड्ढों से निकलते हैं सर, 12वीं तक क्लास लगती है कहाँ पर्दा में, हमारे बच्चे कैसे बुलाए सर, इसमें ऐसे नाले में पानी आ जाता है तो हम कैसे निकालेगा, उनका पढ़ाई मिक्स हो जाता ना, तो बच्चे आने, छोटे बच्चे तो ना तो जा सकते हैं। और दूसरी बात है सर, हम धंधे वाले इंसान हैं, गांव में रहते नहीं है, केरल वगैरह कहीं से भी निकल जाते हैं, तो इन बच्चों को औरतें भी ले जाती है, तो औरतों को भी डर रहता है कहीं से डूब जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी एक ही गुहार है कि कब से कब जल्दी से जल्दी सिर्फ हम बच्चों के आने जाने के लिए ये रास्ता सही करते हैं। सर कितने गाँव का रास्ता है ये? सर 5-7 गाँव का रास्ता, तो ये कम से कम 20 गाँव का रास्ता है सर जी। लेकिन सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही, ये गर्मी के टाइम पे चुनाव होते उस टाइम पे तो ये कड्डे में कैसे भी निकल के चले जाते। अरे सर जी, चुनाव भी के टाइम पे अभी करो ना, इस टाइम पे वक्त में तो तुम्हारे को वोट मांगते टाइम पे बहुत सुविधा रहेगी। बहुत परेशानी आ रही है क्या सर? कि इतनी परेशानी आ रही है कि जिसकी हद ही नहीं है सर, क्या बताए, मुंह से क्या वे क्या करे सर जी, निकलने में इतनी तकलीफ आ रही है कि एक छोटे से बच्चों को, 5 साल 10 साल के बच्चों को आप उस रास्ते में नहीं भेज सकते हो सर जी। इतने तो चारों तरफ से तो राड़िया है, और इतने इतने गड्ढे है, एक बार जो अगर पैर चलेगा अंदर तो वहीं फंस जाएगा, तो वहीं से खत्म होगा, उसको कोई सूद लेने वाला नहीं मिला, तो कोई ट्रैक्टर गाड़ी निकलते, आम आदमी मोटरसाइकिल लेके रास्ते से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या और क्या बताए सर इससे समस्या। कहेंगे पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव है सर। जब से आजाद हुआ ना, हमारे लिए, हमारे इस गांव के लिए अभी तक किसी प्रकार का भी विकास नहीं है। अरे सर, हमारे गांव की छतों को आकर देखिए सर जी, छतें ऐसे टूटने को लिए तैयार है कि सारे बच्चे उसके अंदर खत्म है, लेकिन देखने के लिए तैयार कौन है? ना तो कोई विधायक साहब है, हमारे बीजू बना जी इतने साल तक विधायक साहब रहे, अरे उनकी आंखों में कभी तो मैं कहता हूँ कि एक चुनाव जीत गए, दूसरा चुनाव हार गए। अरे बीजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कस्तूरी। कई समस्या आपके गाँव में? हमारे गांव में एक शौचालय नहीं है, और 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, गांव में रोड नहीं है, कच्चे कच्चे रास्ते में आते हैं, और शौचालय नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो खुले में सोच कर शर्मिंदगी महसूस होती है आप लोगों को? होती है ना, लोग आते जाते देखते हैं, लेकिन क्या करें, खड़े रहते हैं 2-3 घंटे लाइन में। तो कोई विधायक, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। कोई विधायक सरपंच वगैरह आके देखते नहीं गाँव में? सरपंच सरपंच आते ही नहीं गाँव में, सरपंच यही नहीं आती नहीं, विधायक वगैरह आते हैं इस गांव में? विधायक नहीं आते, नहीं आते। तो आप खुले में सोच करते हो? खुले में सोच करते हैं। जानवर का डर नहीं रहता आप लोगों को? डर लगे तो क्या करें, डर लगे तो क्या करें, हमारे नदी में जाना पड़ता है। ठीक है भाई। अब कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? ये प्राथमिक विद्यालय देवरी पढ़ता है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पहली से पांचवी तक है 16 बच्चे। 16 बच्चे। कितने टीचर हैं? ये दो है, ये अभी आए 1 तारीख से, 2 टीचर। और अभी हम यहाँ आए हैं, देखा तो 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है आज स्कूल में बच्चे नहीं? ये क्या है कि अभी काम की व्यस्तता ज़्यादा है जी, खेती बाड़ी की, और सोयाबीन का काम भी चल रहा है, तो 4 दिन की छुट्टियाँ थी अभी जी, इस कारण से अभी संख्या कम है। हम यहाँ आए स्कूल में, देखा कि स्कूल जर्जर अवस्था में, कहीं कहीं स्कूल गिरने की कगार पे, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता आपको बच्चों की रिक्स और आपकी रिक्स है यहाँ पे कि कभी भी स्कूल गिर सकता है, इन बच्चों के साथ कुछ हादसा हो सकता है, क्या आपने कहीं अवगत कराया इस मामले में? अवगत करा दिया और लिख के भी दे दिया हमने। तो फिर भी आप बच्चों को बिठा रहे हैं? अधिकारियों ने क्या बोला कि आप बिठाओ उसको? नहीं कहा। फिर तो फिर कहाँ बिठाए? तो ये बात आप अधिकारियों से करते हैं कि बच्चों को कहाँ बिठाए, उनकी जान के साथ जुड़ा हुआ? नहीं, उनका कहना है कि आप अंदर मत बिठाओ। फिर कहाँ बिठाए? तो अब यहाँ थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए यहाँ बिठा रहे, इस कमरे में और गया, पूरा खाली है कमरा स्कूल। तो स्कूल का प्रभार आपके पास है? हाँ। क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल कारपेंटर।
तीन देवली बाजार गाँव में पहुंची जहाँ पूरा स्कूल जर्जर है और गिरने की कगार पे, और वहीं बच्चे बैठे हुए देखे गए थे। सर ये कहाँ पर पहुंचे? हमने जो है पत्र जारी करके वर्षा काल में जहाँ पर भी इस प्रकार के भवन हैं उनकी जानकारी मंगा के प्रस्ताव जो है रिपेयरिंग के लिए भोपाल भेजे हुए हैं, तो वहाँ से हमें राशि प्राप्त होगी तो हम इनको सही करवाएंगे। और अगर ऐसी कोई स्थिति है जिसमें कि बिल्कुल ही बच्चे बैठने लायक नहीं और अगर बैठाया है तो ये गलत किया है, आपने बताया, इससे हम बात करके और इस बच्चों की कोई भी व्यवस्था करवाएंगे, ऐसे भवन में नहीं बैठे। सर हमारा दौरा किया था, हमने पंचायत है वो मालाहाड़ा पंचायत में जहाँ पांच गांवों का रास्ता गुजरता है, वो सर 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं बन पाया, इसलिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रास्ता 2 किलोमीटर का लगभग लंबा है, तो इसका मैं एक बार परीक्षण करा लूँगा, और सुदूर सड़क में किसी में अप्रूव किया जा सकता होगा तो हम लोग अपने पंचायत ग्रामीण विकास से अप्रूव करा देंगे, नहीं तो फिर इसको शासन को भेजेंगे। जब हमारी टीम पहुंची और वहाँ देखा तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और पूरे ग्रामीण पानी में होकर निकल रहे हैं, तो कहीं कि जल्दी इसका समाधान हो तो? नहीं, बिल्कुल इसका जल्दी समाधान कर देंगे, इसका सप्ताह में एक बार उसका परीक्षण करा के क्लियर कर देंगे। सर हमने जिले की 2 प्राथमिक स्कूलों का जायजा लिया था। सर एक के स्कूल का भवन है जो क्षतिग्रस्त है और दूसरा स्कूल को बच्चों को बाहर बिठा के खाना खिलाया जा रहा है। ये दोनों मुद्दे कुछ आपके माध्यम से और अखबार के माध्यम से मेरे संज्ञान में आए हैं। स्कूल काफ़ी समय से बंद रहे हैं तो उसकी मरम्मत और साफ़ सफाई के लिए हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है, तो DPC के जितने अमला है और जितने इंजीनियर्स हैं सभी जाके उसका आकलन करवा रहे हैं और उसको जल्द से जल्द उसको रिपेयर करा के ठीक कराएंगे।